हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? और मेरा नसरीन नाम है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हो? हाँ अभी तो मैं बाहर ही खड़ी हूँ, हमें तो और अभी जो अंदर लड़का नहीं जिस जाओ। आदमी के साथ रह रही थी उसका नाम क्या था? अभी चेक सिंह आधार कार्ड का था, मगर वो कन्वर्ट हुआ था तो उसका अब्बास नाम रखे थे। उसका असली नाम क्या है? असली नाम अभिषेक। अभिषेक। उसके माँ बाप किधर है? हाँ उसके माँ बाप मर चुके हैं। कन्वर्ट कैसे कैसे कन्वर्ट हो बताएंगे मेरे को, कैसे कन्वर्ट करी उसको तू? कन्वर्ट जैसा अपना सुन्नत वगैरह होता है ना, हाँ, सुन्नत वगैरह सब कराए थे, उसके बाद वो शादी हुआ था हमारा उसके साथ तो में। कन्वर्ट करने सुन्नत करना पड़ता कन्वर्ट करने के लिए। अभी क्या ही बोलेंगे, अब जो हाँ, घर उसकी वालों ने पैंट उगल जैसा करके पैसा मुस्लिम में दिया। मुसलमान भी क्यों कन्वर्ट हुआ? अरे उसको तूने प्रोसीजर करी थी उसका, जो जो आधार कार्ड है सारे डॉक्यूमेंट बनाई थी कुछ उसके नाम का। ऐसा तो मैंने नहीं, आधार कार्ड वगैरह नहीं चेंज हुआ था। और कितने बच्चे पैदा करी उसके साथ? तीनों तीन बर्थ बच्चों के व्हाट्सएप भिड़ा है? सर्टिफिकेट है, बड़ी वाली का है और दो बच्चों का नहीं है अभी। क्यों नहीं है? घर में पैदा हुए क्या? ना घर पे ही हुए थे, बनवाने अरे तो अभी तो घर में पैदा हुए तो बच्चों के म्यूनिसिपैलिटी में व्हाट्सएप भी बनते हैं ना। नहीं दिया ना उसने, बहुत बड़ी चालाकी की। आप बाजी में क्या कहूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि और उसने ऐसे अभी ये हथियार बच्ची किया, मैं जिसका उसकी बनाई समझ नहीं उसके पाई। जिसका बनाई उसके नाम के आगे कौन हाँ सा नाम लगाई? कन्वर्ट नाम लगाई उसके क्या? वो बाप नाम का ही लगाई? नाम है। नहीं, उसके बाप का ही, उसने ही करवाया था तो उसने अपना ही नाम डलवाया था। हाँ तो फिर काय का कन्वर्ट हुआ वो? वही ना अभी दिखा रहा है ना, पहले ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था, अभी सब रंग बता रहे, तो समझ में उस वक्त जितना दिमाग नहीं चला किसी का भी कि तो वो अभी ऐसा अभी कुछ अभी अभी करेगा। तक भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा था बच्चों के व्हाट्सएप से भी नहीं बना रहा? पहली लड़की के नाम के आगे उसने अपना गैर का और गैर कौम और गैर नाम लगाया। हाँ खाली उसके कटाने से तू खुश हो गई, खाली तेरा रिश्ता जो है उसके साथ में हम बिस्तरी का जायज करने का था। कलमा खाली ऊपरी मुंह से पढ़ा दी, बाद में वो काफिर हुआ, वो मुसलमान है नहीं है कुछ नहीं। और अब भी वो तूने उसको नहीं छोड़ी, वो भागा ना? हाँ वो भाग किस साथ भागा? किसी और लड़कियों के अफेयर की वजह से वो यहाँ से हटा है। तो तेरे को जब तक का तू कैसा चुप बैठी? इंतजार कर रही थी कि ये छोड़ के भागे तो मैं फिर वावेला मचाऊं, मुसलमानों को बोलूं कि मैं, मेरा धोखा हो गया। तीन ऐसा बच्चे क्या कुछ कम सोची नहीं मामूली थी बात? मैंने, कितने साल रही उसके साथ? 8 साल से साथ में हम लोग, बता, 8 साल से दो तेरे साल को समझ नहीं आया कि धोखा दे रहा है? जब वो किसी और के साथ भाग गया, जब तेरे को समझ आया उसने धोखा दिया? हाँ क्या ही बता, रमजान महीने में तौबा कर, अभी भी छोड़ उसका नाथ। कंप्लेंट करी करेगी क्या? नंगा नहाएगा क्या? नहीं छोड़ेगा क्या? उसका हाई क्या जो तेरे को देगा? नाम तक तो उसने तेरे को दिया नहीं मुसलमान, वो गैर अपने बच्चों को अपना नाम नहीं दिया उसने। हाँ तो मतलब कंप्लेन नहीं डालूं। तेरी मर्जी, तेरे को चक्कर खाने के हैं, तेरे को जो है वो गधामाली करनी और उसके नाम से और दिन खराब करने हैं, और अपने वो बच्चों के आगे उनको इंसाफ दिलाने के लिए उसको उसके असली बाप का नाम तेरे को डलवाना है जो इस्लाम के खिलाफ है, तो कर कंप्लेंट। पुलिस यही बोलेगी, तेरे को मानता ना वो गैर मुस्लिम है, वही नाम से कंप्लेंट लेंगी, अभिषेक नाम से। तेरा अब्बास नाम से कंप्लेंट लेके अब्बास को नहीं ढूंढेगी, अभिषेक को ढूंढेगी, जो गवर्नमेंट में उसके दर्ज है, जो असली है उसकी औकात, असली हैसियत है उसकी, असली ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसकी। अब तो अभिषेक नाम से जब अगर तू वहां पे नोंद करेगी कंप्लेंट तो हिंदू ही कहलाएगा ना तेरा आदमी, हिंदू जिसने तेरे को धोखा देके, मोटी मोटी बात में यही लिखा जाएगा ना कि अब्बास ने देखो धोखा देके चला गया, ये लिखा जाएगा। अब्बास को नहीं ढूंढेगी पुलिस, अभिषेक को ढूंढेगी और बच्चों के बाप को ढूंढेगी जो अभिषेक है, फिर ये बच्चों को अनाथ आश्रम में वो डलवा देगा तेरे से लेके, और वो बच्चे भी गैर सही है, मुसलमान में पलेंगे या लेके चले जाएगा, तू क्या करेगी? देखे भी जाएगा बच्चे तो भी क्या बड़ी है। बाजी, बच्चे भी, तीन लड़की जो बड़ी है ना सबसे 10-1 साल की, उसको मांग रहा, दोनों लड़कियों को नहीं मांग रहा इससे। तीन हाँ लड़की है, तीनों भी लड़की शाबाश, हैं, कितनी बड़ी लड़की है एक 9 साल की है, 9 उसका रनिंग चल रहा है बड़ी वाली का। तो बता क्या क्या सिर्फ बता, बड़ी वाली तेरे मांग बच्चों रहा, को बाकी लड़कियों दो नहीं कौन मांग शादी रहा। करेगा? बाकी बताइए, बाकी क्या करूँ, जो अच्छा लगे आपको बता दीजिए, देखो मैं उसको तो देना है, समझ लो बच्चे बच्चे उसको दे देगी, बच्चे उसको दे दो तो अपने काफिरत में रखेगा वो। तो तेरे को वही तो बोल रही हूँ, कंप्लेंट का वही रिजल्ट, कंप्लेंट का रिजल्ट क्या निकलेगा? कंप्लेंट का रिजल्ट क्या निकलेगा भाई? मेरे बच्चे मेरे को दे दे, मेरे को तेरा नहीं रहने का है, जा कोर्ट के चक्कर काट।
और अभी मैंने कैसा ना वो बच्चों से भी नहीं रिलेशन रखना है, अभी हो गया तो काफी दिन, मतलब उन लोग से भी वो बात नहीं कर रहा है ना, तो उन लोग को बच्चों को लेने लड़की की बात मिलाएगा कर तो रहा है। रिलेशन रखेगा, बच्चों को लेगा कि क्या उनको क्या निवाले बना के खिलाएगा, किसी ना किसी दरवाजे पे डाल देगा, तो वो ही जाके करेगा अनाथ आश्रम में डाल देगा, यतीम खाने में डाल देगा। बाजी। अभी वो क्या कर रहा है मालूम क्या, इसको कॉल लगा रहा और इसने किसी से बात कर रही ना तो सामने वाले को भी गालियां दे रहा। उसका नंबर मेरे को भेज, और दूसरी बात उसको उसके साथ में तेको पूरे तरीके से सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, तो तेको वापस से तू तो इस्लाम में आ सकती है और इन बच्चों के लिए रास्ता बनेगा। एक साल से तो बाजी वैसा हम लोग का कोई 2.5 साल समझ लो हो गया, धीरे धीरे क्या ऐसा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं अरे है। भाई ये छोड़ बगड़ वाला मेरे को रिश्ता मत बता, तू अब भी आगे वही बढ़ोगे बाजी, माफी मांग लेना, जरा उसको डंडा पड़ेगा तो वापस आके माफी में तू माफ कर देगी, तू रख लेगी, फिर बोलेगी 1.5 साल से नहीं था, फिर बीच में सिर्फ एक दिन 2 दिन आया था, क्या कर रही है तू? देखो किसके पास जवाब देने का, अल्लाह के पास देने का, मेरे को जवाब मत दे, मेरे को तू जो अभी बोलेगी भी मैं अल्लाह तो हाँ को देगा। बोलूंगी, मेरे को क्या मालूम तू कितनी सच्ची है। है वो तो बात है। तेरे को अल्लाह के पास में अगर तौबा करना है तो तू तू ये सारे रास्ते जो है अल्लाह के इस मुताबिक चल, दुनियादारी के हिसाब से चलना है तो दुनियादारी के हिसाब में वो उसके बच्चे वो बोलेगा और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उसको डाली जाएगी, तो वो बोलेगा मेरे बच्चे मेरे को दे दो, और वो बोलेगा ये लड़के ये औरत मेरे को चाहिए नहीं, ये अच्छी नहीं है, ये मेरे साथ बराबर रहती नहीं, मैं इसको छोड़ता हूँ, और इसको जो भी चाहिए कोर्ट से ले। क्या करेगी तू, कौन सा ठिकाना है उसका, वो अभी नहीं हाथ में लग रहा बाद में किधर लगेगा, कोर्ट में आता नहीं नहीं आता लगेगा। जामीन पे छूट जाएगा, उसके बाद क्या करेगी? अभिषेक से लड़ना है तो तुझे फिर ये तोहमत जिंदगी भर जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक अपने सर पर टोकरा लेके चलना पड़ेगा कि अभिषेक ने तेरे को धोखा दिया, पड़ेगा। और अभिषेक से तुझे इंसाफ चाहिए, तुझे अल्लाह अल्लाह के पास माफी चाहिए या अभिषेक से इंसाफ चाहिए वो तय कर ले, और अल्लाह से तो इंसाफ मांगियो भी ना बेटा, अल्लाह अगर इंसाफ पे आना तो तेरी तो हालत खराब हो जाएगी, अल्लाह से रहम मांग, अल्लाह तेरा इंसाफ ना करे, हम दुआ करते कि अल्लाह तेरा इंसाफ ना करे, तो तेरे साथ इंसाफ जो होगा ना बहुत इबरतनाक होगा। तौबा कर ले बेटा, रमजान महीना है, और अपनी बच्चियों को अच्छे ठिकाने लगा दे, जो जिनकी औलाद नहीं है ऐसे लोगों को देकर अपने बच्चों को अच्छी जगह पर जो है वो सेटल कर दे, और तेरी शादी वगैरह करा के हम दे देंगे, इतना कर सकते हैं, अच्छी जगह मुसलमान के घर में रहेगी, ये कर सकते हैं। क्या हाँ तो कहती हो, चाहिए ना इतनी भाजी, बोलती वो हो जिस तो दिन भाई, वो ऐसी राजी ऐसी हो। हालात है लड़की के औरत के, और कितनी उम्र है तेरी 27 रनिंग चल रहा है बाजी। बता, अगर तेरे लिए मैं बोल ये जो मैं बोली हूँ अगर तेरे को ये समझ में आता तो बोल, मैं तेरे लिए जो है वो मुसलमानों को डालती हूँ कि भाई ऐसी ऐसी इसकी इसने गलती करी, गुनाह करी, गुनाह अल्लाह इसको माफ करे, और इसके 3 बच्चे हैं जिनके लिए ये आज उस आदमी की तरफ जो है वो कानून कायदा चाहना चाहती है जो कोई मतलब का नहीं है, इसलिए मुसलमानों में ही दिल बड़ा करके इन बच्चियों के लिए कुछ रास्ता निकालो और इस औरत के लिए भी कुछ रास्ता निकाल के इनको सेटल कर दो, ताकि इनका गुजर बसर ईमान पर हो और खात्मा ईमान पर हो, ये मैं कर सकती हूँ बेटा। वो तो है, वो सही है बाजी वो अपना। तो है नहीं, वो चाहिए या नहीं चाहिए, वो तरीका वही एक सीधा सादा तरीका है, सिरातल मुस्तकीम पकड़, नहीं तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जाना है तो वही थू थप्पड़ की जिंदगी कर ले, बाजी अभी उसको कैसा है, पकड़ माता पिता के भागेगा, साथ से हाथ उठा लिए, अभी आप जो बोलेंगे वो यही करेंगी। ये सीधा रास्ता है भाई, अल्लाह रसूल का रास्ता चलेगी तो माफी भी मिलेगी अल्लाह से, और रास्ता भी मिलेगा और सुख से रहेगी, अब इसकी मर्जी, इन बच्चियों को तो उसके अभी हवाले नहीं करना है, मुसलमानों के हवाले करके जिनको औलाद नहीं उनको दे दे। कितने साल की लड़की है बड़ी वाली 9 साल की है, दूसरी दूसरी, 6 साल, 7 साल रनिंग चल रहा उसका, और तीसरी 5 साल की बता, पढ़ रहे बच्चे क्या क्या घर में ही है? नहीं, एक पढ़ रही है अभी, एक का ये साल एडमिशन कराना है। कहाँ रहती तू? मैं नालों से पर अपना धानों का चला। और ये घर जो है वो भाड़े पे है क्या है? हाँ भाड़े से ही। बता कहाँ अरे कहाँ से बाजी भरती तो भाड़ा, पैसा ही काम समझो करती है तो तू? उसके साथ थी ना, तू बस काम उसके करती अपने है? साजिश में कामयाब हो गया। नहीं, काम करती है क्या ये? हाँ बाजी अभी जब जब तक वो था तब तक तो नहीं करती थी, लेकिन अभी बच्चों के लिए तो काम करना ही ना कुछ भी उसको। तो वही बोल रही हूँ, तो ये कब तक चलेगा? हाँ बोल, बोलती तो बोल, मैं तेरे लिए रिश्ता वगैरह हर चीज का करके देती हूँ। जैसा आपको समझ में आए बाजी कीजिए, मुझे अरे कुछ तो बाजी नहीं वो ना इनको समझ डरा में। रहा मालूम तुमको, बोलता मैं कहीं हो दूंगा नहीं, मैं कुछ करने नहीं दूंगा। उसके बाप का राज है क्या? हाँ वो भाई बन रहा है, एक बार अपने सामने आया ना उसको अपन फिर नहीं बताएंगे ना। कैसा, मैंने बाजी मैंने
आपको यहाँ तक बोला मुझे मत रख, नहीं रखना है कोई बात नहीं, मगर मुझे कम से कम तलाक तो दे दे। मैं जो बोली अगर उस तरीके से चलना है तो बोल, मैं अभी तेरे बारे में मुसलमानों को एक बात डालती हूँ, वो लोग कौन जवाब देगा, फिर मैं उस हिसाब से तेरे को बुला के तेरा तेरा जो भी है करवा के दे सकती हूँ। क्या बोलती बोल, या भी तेरे तेरे नंबर देके मैं तेरे लिए वहां के नाला सुपारा में, तू नाला सुपारा में आता बाजी धन्यवाद। हाँ तो नाला सुपारा में मैं हमारी हमारी टीम है, उधर जाके मिल उन लोगों के पास जा, वो लोग तो उन लोग के पास में तेरा ये बच्चों के पास पूरा सब कुछ करके देंगे, बच्चों के लिए भी समझी, मदरसे मस्जिद वाले लोग है, बड़े लोग है, अल्लाह 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 राह में काम करने वाले लोग है, काफी जिम्मेदार लोग है, तो इंशाल्लाह वो तेरे लिए कुछ ना कुछ वहां पर बेहतरीन हल निकालेंगे। ठीक है, मैं उनको तेरा नंबर देती हूँ। मैं ही कर रही हूँ ये सोच ले, मैं ही कर रही हूँ, किसी और के हवाले नहीं कर रही तेरे को, लेकिन मेरे लोग हैं जहाँ पर तू नजदीक है, उन लोगों में तेरे पास उनके पास जातो सी पहला बच्चों को लेके नाला सुपारा में ही जाना है तेरे को, कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, इतना मैं तो थाना में रहती, तू कहाँ से आएगी थाना, और ये कंप्लेन उम्प्लेन के चक्कर छोड़। ठीक है, और उसको क्या करना है वो देखेंगे फिर, जब तू वो तेरे को छोड़ना चाहता है तेरे लिए रास्ता नहीं, तो तू उसको छोड़ना चाहेगी तो उसकी क्या मजा ले तेरे पीछे आ जाए, नहीं क्या सबूत है उसके बच्चे है वो। अगर तू बोल दी कि ये तेरे बच्चे ही नहीं है, और कोर्ट मैरिज भी तो नहीं हुआ ना बाजी, क्या कुछ भी नहीं है, वो कहाँ से साबित करेगा वो। हाँ बच्चों को अगर आराम से बचाना है तो भाई तेरे को रास्ता मैंने बता दी, आगे तेरी मर्जी, चलना है चल, नहीं चल रहा तू अल्लाह के पास जवाब दे। और उसने ना बाजी सिर्फ इनको घुमाने के लिए, भी तो बच्ची नहीं है, इतनी भी तो भोली नहीं है, इतने साल में देखो किसी ने समझाया नहीं होगा देखो, अल्लाह की तरफ से रस्ते नहीं मिले होंगे इतने साल से तेरे को कोई, तू है ना देख अभी भी तू अगर अगर पुख्ता नहीं हुई ना, से बता रही बहुत बहुत अंजाम बुरा हो जाएगा तेरी, ऐसी औरतों की हालत देख क्या कर रही है, बेटियां धंधा कर रही है, उनकी बच्चियों को धंधे पे लगा दिया ऐसे आदमियों ने, बाप बनने वालों ने बेच दिए। कितना गुना मोल लेगी, खुद की तो अस्मत लुटा दी, ईमान भी खत्म कर दी, अभी बच्चे को भी करना चाहती है क्या, दुनिया में लाई जिनको झूठ बोल के तुम मुसलमान है, मुसलमान से तूने पैदा करी। ठीक है बेटा, मैं तेरा नंबर दे रही हूँ वहां के लोगों को, और तेरे को भी भेजती हूँ मैं अजरुद्दीन, मैं तेरे को नंबर इसका नंबर मेरे को भेज, और मैं देती हूँ वहाँ के जिम्मेदार लोगों का, उसको जाके आप भी पहला मिल बोलना जाके पहला वहाँ नाला सुपारा, उन्हीं के पास में क्या, मैं यही के नाला सुपारा में। ठीक है चल, तू लेके जाना इनको फिर। हाँ चले ठीक है, वो लड़के का नंबर दे मेरे को। हाँ देता, मैं भेजता है मेरे पास, अभी दे, मैं लगा रही उसको नंबर। हाँ रुको, बोल नंबर नंबर याद है क्या नासरीन तुमको?